नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 3 सितंबर, तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछें, और साथ ही अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,40,234 हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,969 मामले सामने आए हुए। पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 722 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,23,404 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,803 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप पर बैन लगा दिया गया है। सरकार ने इनसे देश की सुरक्षा को खतरा बताया। केंद्र ने बुधवार को मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप पर बैन लगा दिया है। अकेले भारत में पबजी को 17.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। बैन की जानकारी देते हुए केंद्र ने कहा कि इन ऐप से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। गलवान में भारत चीनी सैनिक की झड़प के बाद ही पहली बार सरकार ने यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप बैन कर दिए थे। इस बार भी सरकार ने यह कदम तब उठाया जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा है और चीनी सैनिकों ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी आज एनडीए में शामिल होंगे। साथ में जीतन राम मांझी बोले कि हमको 10 सीटें मिलना तय है और मैं बिना शर्त शामिल हो रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 30 सितंबर यानी कि आज एनडीए में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा में बिहार की सीट खाली होते ही मांझी को जदयू कोटे से टिकट मिल सकता है। सीट शेयरिंग के समय हमको 10 सीट देने की बात बनी है। हमके कुछ नेता जदयू के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। जदयू का नया प्रयोग, नमो सा नहीं सीधे ट्रंप के फॉर्मूले पर गांव-गांव तक पहुंचेंगे नीतीश। 30 सेकंड के अंदर जोड़ेगा ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मोदी सा नहीं बल्कि सीधे ट्रंप के फॉर्मूले पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जदयू ने अपना ऐप तैयार कराया है जिसके जरिए मुख्यमंत्री 30 सेकंड से भी कम समय में गांव देहात के लोगों से जुड़ जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस ऐप में 1-way और 2-way दोनों तरह से जुड़ने की सुविधा होगी, यानी जब नीतीश को लोगों से संवाद करना होगा तो वे 2-way कम्युनिकेशन से जुड़ेंगे और से फीडबैक लेंगे। मोक्ष भूमि में प्रीति पक्ष लॉक, गया बॉर्डर सील, श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट तैनात। सरकार ने जारी की आदेश। पितृपक्ष मेले तक गया की अंतर जिला एवं अंतर राज्य सीमा के मुख्य मार्ग के बॉर्डर को सील किया गया। मेला अवधि तक गया में तीर्थ यात्रियों की एंट्री नहीं होगी। इन जगह पर सीलिंग पॉइंट निर्धारित कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि जिले में पितृपक्ष में आने वाले तीर्थ यात्रियों को प्रवेश से रोका जा सके, साथ ही सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन हो सके। यह आदेश बिहार सरकार के विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा जारी किया गया। मौसम विभाग की चेतावनी, पटना समेत 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की अलर्ट। लगातार बढ़ रही गर्मी से अब आम लोगों को निजात मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के उत्तरी भाग में स्थित पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की से तेज बारिश हो सकती है। वहीं पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया समेत 19 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब यात्रियों को सफर में लगेगा कम समय। पटना नई दिल्ली रूट पर
पहली बार 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली राजधानी से सफ़र करने वाले यात्री अब कम समय में ही सफ़र कर सकेंगे। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। पहले यह ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी। मंगलवार को पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई। दानापुर मंडल के DRM सुनील कुमार ने बताया कि इस रेलखंड पर पहली बार ट्रायल के बाद यात्री ट्रेन इतनी गति से चलाई गई है। 4 सितंबर से जनहित राज्य रानी सहित 8 जोड़ी ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ेगी। लॉकडाउन को लेकर परिचालन बंद था। जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेगी। अप व डाउन दोनों रूटों पर इन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों के साथ ही पूर्व मध्य रेलवे के 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सहरसा से रवाना होने वाले जनहित व राज्य रानी एक्सप्रेस भी शामिल है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों का परिचालन नीट, जेईई मेन व NDA की परीक्षा को देखते हुए किया गया है। 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बिहार में जल्द ही पहला एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह मगध क्षेत्र से औरंगाबाद से मिथिला के जयनगर तक बनेगा। बिहार में पहले एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। दक्षिण से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले औरंगाबाद से नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर तक बनने वाली 271 किलोमीटर लंबी सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भू अर्जन समिति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शोक के कारण जेडीयू के बाद कांग्रेस ने बढ़ाई तारीख, अब 7 को आयोजित करेगा महासम्मेलन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की होने वाली वर्चुअल महासम्मेलन भी अब 7 सितंबर से शुरू होगा। कांग्रेस का विधानसभावार बिहार वर्चुअल सम्मेलन 1 सितंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश में घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। मालूम हो कि जेडीयू की 6 सितंबर से होने वाली वर्चुअल रैली भी स्थगित कर 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है। बिहार में नौकरी करने का मिल रहा है मौका, 724 विभिन्न पदों के लिए ऐसे करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने बिहार सरकार इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विभिन्न विभागों में व्यक्ता सहायक प्रोफेसर HOD के पदों के लिए विभिन्न भर्ती अधिसूचनाएं जारी की है। ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 724 रिक्तियों के लिए bpsc.bihar.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। लालू से मिलने बिना अनुमति रांची पहुंचना बाराचट्टी विधायक को पड़ा महंगा। समता देवी को किया गया क्वारंटाइन। चुनावी रणनीति बनाने के लिए लालू ने रांची में ही दरबार लगा रखी है। ऐसे में वहां के प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में राजद नेता पहुंच रहे हैं। गया के बराचट्टी से राजद विधायक समता देवी उनसे मिलने पहुंची। उसके बाद झारखंड प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने वित्त रहित कर्मियों के द्वारा गांधी मैदान में आयोजित मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक देश के निर्माता है। लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक सभी ने शिक्षकों को ठगा है। आज देश का निर्माता भूखा है। यह सरकार संवेदनहीन है। मैं वित्त रहित कर्मियों के लिए अनुदान नहीं वेतनमान की मांग करता हूँ। आज की अगली बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आ रही है 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम। 4 सितंबर तक करेगी प्रभावित जिलों का दौरा। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को केंद्रीय टीम आ रही है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में आ रही 6 सदस्यीय टीम 4 सितंबर तक बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। पटना आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के साथ टीम की बैठक भी होगी। टीम में कई मंत्रालय के अधिकारी शामिल है। इसमें कृषि मंत्रालय की भी है, जो पटना में ही चावल अनुसंधान केंद्र में पद स्थापित है। इसके अलावा वित्त, स्वास्थ्य व पशुपालन मंत्री के भी अधिकारी टीम में शामिल है। टीम मुख्य सचिव के साथ भी बैठक कर सकती है। सुशांत केस में CBI जांच का कल 13वां दिन था। रिया के पिता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी की गई। भाई सोविक पर पिता के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया। NCB ने ड्रग डीलर को अरेस्ट किया। CBI रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से बुधवार को लगातार
दूसरे दिन पूछताछ की। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने रिया के माता पिता से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कल सुशांत के घर काम करने वाले कर्मचारी और रिया के पिता को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब भी किया। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार एक ड्रग डीलर को पकड़ा है, उसे कल अदालत में पेश भी किया गया। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब